छादापुर प्रखंड के रामपुर में पनोरमा पब्लिक स्कूल के वर्षगांठ के मौके पर पनोरमा हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान ने फीता काटने के बाद दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के पश्चात उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर संरचना व सुविधाओं को नजदीक से देखा, जिसके बाद चिराग पासवान मनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा के साथ पनोरमा पब्लिक स्कूल पहुंचे, जहां स्कूल के चौथी वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए और संजीव मिश्रा ने चिराग पासवान को पाक शॉल माला व बुके से सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान मनोरमा हॉस्पिटल से लेकर स्कूल तक हजारों लोगों की भीड़ जुटी रही। आयोजित वर्षगांठ समारोह में चिराग पासवान ने कहा कि संजीव मिश्रा उनके बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को पूरा कर रही है। बुनियादी सुविधाएं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पनोरमा ग्रुप के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें सभी का सहयोग जरूरी है। वहीं इस दौरान हास्य कलाकार एसाहन कुरेशी एवं सुप्रसिद्ध गायक कुमार चारू ने जलवा बिखेरा। कार्यक्रम में शामिल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने संजय मिश्रा के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम चल रहा है, हमें काफी कुछ स्टेज के माध्यम से अनाउंसमेंट करना था, हम नहीं कर पाए हैं। अभी नेक्स्ट हमारे गाँव में जैसे आपने स्कूल और हॉस्पिटल देखा है, हम आगे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, लैंड इसको एक्वायर कर रहे हैं वो हम करेंगे। इसके साथ ही पूरे बिहार में जो पनोरमा का छोटा प्ले ग्रुप है, प्ले स्कूल है, उसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में हर ब्लॉक में हर जिले में हमारा स्कूल होगा, उसका नाम होगा पनोरमा किड्स। देखिए मकसद बिल्कुल साफ है, जब तक आप समाज को शिक्षित नहीं करेंगे हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, और जब तक हम शिक्षित होकर के बाहर जाएंगे देखेंगे देश दुनिया को, तभी आकर के अपने प्रदेश में हम अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपने युवा साथियों से यही बोलता हूँ, आप जहाँ जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हैं अपने प्रदेश में आपकी कुछ न कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। संजीव जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, तो उन्होंने ये हॉस्पिटल की ओपनिंग की है, फ्यूचर में वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी योजना रखते हैं। तो ऐसा हर बस्ती में एक आदमी हो जाए तो देश की शक्ल बदल जाए। मैं प्रणाम करता हूँ आप सब, सबको एक एक गांव गोद ले लेना चाहिए तो बड़ी शक्ल बदल जाएगी इस देश की। जी जरूर, मालिक ने देखो ये एक नियम है कुदरत का, जब समाज को कुछ मिलता है और समाज कुछ देता है ना तो उसको वापस लौटाना भी चाहिए। तो बस जितनों को अगर बिजनेसमैन को पैसा मिला है तो अब उनका समय आ जाता है एक टाइम कि वापस लौटाना भी चाहिए। समाज ने ही आपको पैसा दिया है, उद्योगपति बनाया है बड़ा बड़ा, तो आपको भी समाज के हित में रिटर्न देना शुरू करना चाहिए। ऐसे लोगों की हमारे प्रदेश को जरूरत है जो अपने क्षेत्र की विकास को प्राथमिकता देने का काम करें, जो अपने साथ अपने क्षेत्र के लोगों को भी उसी गति से मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करें। यकीनन संजीव जी बहुत खूबसूरती से समाज सेवा में इस कार्य को पूरा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि और भी ऐसे लोग जो खुद आगे बढ़ चुके हैं वो भी अपने क्षेत्र अपने गांव को भी उसी तरीके से आगे बढ़ाने का।